नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। देश भर में जहां एक और कोरोना का संकट लगातार जारी है, तो वहीं नए साल की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में नए संकट का खतरा भी मंडरा रहा है। बीते कई दिनों से प्रदेश में लगातार कौओं की मौत का सिलसिला जारी है। झालावाड़ से सैंपल भोपाल भेजे जाने के बाद बर्ड फ्लू के खतरे के बाद प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया है। प्रशासन की ओर से प्रदेश भर में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि शुक्रवार को 12 में करीब 49 कौओं की मौत हुई है। इसके अलावा झालावाड़ में 16, पनवाड़ में 10, सुनेल में 8 और जोधपुर में 2 और कौओं की मौत हुई है। 7 दिनों में राज्य में 300 कौओं की मौत हो चुकी है। झालावाड़ में कौओं की मौत के साथ साथ कोयल की भी मौत होने लगी है। मथाना में एक किंगफिशर और एक मैगपाई चिड़िया भी मृत मिली हैं। साथ ही जिले भर के पोल्ट्री फार्म्स पर मुर्गियों के आने जाने पर रोक लगाई हुई है। हालांकि बाकी किसी जगह पर अन्य पक्षियों की अभी तक मौत के मामले सामने नहीं आए हैं। वन्य जीव विभाग से लेकर टाइगर रिजर्व एरिया में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के संक्रमण की रोकथाम के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है। पनवाड़ क्षेत्र में 4 दिन पहले 60 मुर्गों के मरने की भी सूचना मिली। इस पर पशुपालन विभाग की टीम ने पनवाड़ पहुंचकर मुर्गों के सैंपल लिए हैं। जारी अलर्ट में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि झालावाड़ में बर्ड फ्लू का गंभीर वायरस है। ऐसे में प्रदेश में सभी वन्य जीव विभाग से लेकर टाइगर रिजर्व के अधिकारी इसे फैलने से रोकने के लिए पूरा प्रयास करें। इन दिनों वेट लैंड्स पर काफी संख्या में पक्षियों की स्थिति को देखते हुए अधिकारी विशेष सावधानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व के अलावा अन्य सभी एरिया में जहां पक्षी हैं वहां और वेट लैंड्स पर पूरी तरह से निगरानी रखने को भी कहा गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।